शुक्रवार आधी रात को ही भारी बारिश से नागपुर शहर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। चार घंटे में 100 मिलीमीटर इससे अधिक बारिश पड़ने से बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अम्बाजरी और गोरेवाड़ा जिले ओवरफ्लो हो गई। नाग नदी पीली नदी में बाढ़ आ गई। निचले इलाकों की झोंकियों के साथ साथ पौश बस्तियों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्थिति की समीक्षा की। इस समय देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कम समय में नागपुर में 109 मिलीमीटर बारिश से रिकॉर्ड किया गया है। 90% बारिश सिर्फ 2 घंटे में हुई है। परिणाम स्वरूप अम्बाजरी झील ओवरफ्लो हो गई और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसमें 3 लोगों और 10 जानवरों की मौत हो गई है। नाग नदी की दीवारें ढहने से यह नुकसान हुआ है। लोगों के घर कीचड़ युक्त हो गए हैं। कई लोगों को निकाला गया है और लगभग 10,000 घरों में पानी घुस गया है, जो कि बस्तियों को काफी नुकसान हुआ है। लोगों को अनाज फेंकना पड़ा है। जिनके घरों में पानी घुस गया है उन्हें तत्काल 10,000 की मदद दी जाएगी, तो वही दुकानों को 50,000 रुपए और ठेले वालों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नगर निगम कीचड़ हटाने में मदद करने जा रहा है। इसे बीच चिंता की बात है कि रात के वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए NDRF, SDRF और सेना की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हम यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। नागपुर में कल रात को करीब 2.5 घंटे में 109 मिलीमीटर बारिश हुई है और विशेष रूप से इसमें से 90% बारिश केवल मात्र 2 घंटे में हुई। इसके कारण अम्बाजरी तालाब जो है इसका जो स्पिल ओवर है उसके ऊपर से पूरा पानी ओवरफ्लो के रूप में निकला और वो जो नाग नदी है उसमें से वो बहते हुए पूरा जो लो लाइंग एरिया है उस लो लाइंग एरिया में वो गया। नाग नदी हो, पीली नदी हो, और इसके कारण नागपुर के बहुत सारे इलाके में कल आज सुबह अर्ली मॉर्निंग बारिश के पानी से जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा पानी के अंदर हम लोगों ने देखा। कई जगह पर उससे ऊपर भी पानी चला गया था। गाड़ियां पूरी पानी के नीचे बह रहे थे, ऐसी परिस्थिति थी। जो हमारा मोरभवन का बस स्टॉप है वहां पर तो बसेस के ऊपर तक पानी पहुंचा था। तुरंत NDRF, SDRF और आर्मी को भी कॉल किया गया और उन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ ऑपरेशन चलाया। मात्र 3 घंटे में 300-350 लोगों को रिलीव किया गया। दुर्दैव से इसमें 2 लोगों की मौत हुई और तीसरी एक और बॉडी अभी आइडेंटिफाई हो रही है और 14 जानवरों की भी मौत इसमें हुई है और उनको भी मदद देने का काम अभी चल रहा है। विशेष रूप से 10,000 घरों में पानी घुसा, ऐसा एक प्राथमिक एस्टिमेट है। तो हम लोगों ने जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके अनुसार 10,000 रुपये हम इमीडिएट जो उनका नुकसान होता है उसके लिए हम लोग दे रहे हैं। जहाँ दुकानों में पानी घुसा उनको 50,000 तक हम लोग देने वाले हैं। जो छोटे स्टॉल वाले होते हैं उनको 10,000 रुपये तक की मदद ये तुरंत उनको दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने का प्रयास भी चल रहा है। आज रात को भी ऑरेंज अलर्ट है और आज सारी टीमें तैनात रखी हुई है। अगर किसी प्रकार से दुर्दैव से कोई डिजास्टर होता है तो उसका जान या माल को ज्यादा खतरा न हो और उसका मिटिगेशन करके उसका सौम्यीकरण हम कैसे कर पाए इसका एक प्लान तैयार करके उस संदर्भ में भी कार्रवाई की जाए। 6-7 घंटे में पड़ा है, अभी तक कभी हुआ नहीं है। मेरा यादगार से 15-20 साल पहले ऐसा हुआ था और इसके कारण ये बहुत ही आसमानी संकट है। अब इसमें लॉन्ग टर्म पर ये होने के बाद में भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर, हमारी व्यवस्था ऐसी चाहिए कि फिर भी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारी डेवलपमेंट लोअर लेवल लगे पहले और जब पानी ऊपर लेवल पर एक्सेस होता है पानी लोअर लेवल में घुस जाता है। तो नाग नदी का जो 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट है जायका का, उसमें ऑलरेडी ये सब डेवलपमेंट होने वाली है और 3 विधानसभा में ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम का भी प्लान है। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब के साथ जब मीटिंग हुई तो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में भी हम मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं और उसमें से 24 घंटे पानी देने की योजना दिसंबर तक उसका परफॉर्मेंस पूरा करने का हमारा टारगेट है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।